भारतीय जनता पार्टी में कथनी और कहनी में अंतर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण माननीय मोदी जी ने दिया। देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार की महिला जो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष थी उनके ऊपर दी थी। हमेशा धर्मशीला गुप्ता है, सबसे पहले तो बधाई मैम। चलिए, धन्यवाद। दरभंगा से आप आती हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थकते नहीं है, निरंतर काम करते हैं और पार्टी ने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, बिहार भाजपा के माननीय अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, अभिभावकगण, कनिष्ठ सबों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। एक साधारण परिवार की महिला जिन्होंने बूथ से लेकर अभी प्रदेश महिला मोर्चा का संगठन का काम देख रही हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। पूरी निष्ठा और लगन से अपने इस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगी और राज्य और देश के विकास के लिए सदैव कटिबद्ध प्रतिबद्ध रहती हूं और बिहार राज्य की समस्याओं को लेकर, इनके विकास कार्यों को लेकर सदैव तत्पर रहूंगी। और एक हमारी महिला मोर्चा की समस्त बहनें जो बिहार की हैं उनको एक नई ऊर्जा मिली है। हमने देखा कि पहली दफे जो तमाम आपके संगठन के लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। बिल्कुल, बिहार की महिलाएं खुद को सांसद मान रही हैं और पूरी लगन और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाकर और हमारे लोकसभा चुनाव को 40 सीट देकर के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है बिहार की समस्त बहनों ने। और बिहार में भी 25 में राज्य गठबंधन की सरकार में एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति के तहत बिहार का चहुंमुखी विकास, महिला सशक्तिकरण के दावे किए जाते हैं। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में कथनी और कहनी में अंतर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण माननीय मोदी जी ने दिया, तो आप देख लीजिए राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने शुरुआत कर दी है, बिहार से खाता खुल गया है और इससे समस्त बिहार की महिलाओं की ओर से कोटि से आभार व्यक्त करती हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।